हे गाइस वेलकम बैक। बात कंटेंट की हो ही रही है तो सिस्टमैटिक नहीं बट देखते हैं कि कंटेंट का इफेक्ट क्या है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बेसिक है, एक एग्जाम एक स्टूडेंट्स के स्कूल स्टूडेंट को लेते हैं, सिंपल सा लेता हूँ। कंटेंट ही सेंटर पॉइंट करके मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सिंपल सा पॉइंट है, एक विलेज है, एक स्टूडेंट है, वो स्कूल आता है जाता है, घर फ्रेंड्स खेलना, एग्जाम लिखना पास होना। सिटी है, आई एम नॉट टेलिंग कि ये इसको क्या पता, इसको पता नहीं है करके, नहीं एक एग्जाम्पल ले लेते। सिटी में भी ऐसा हो सकता है, विलेज में भी है ना, जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। जाता है स्कूल खेलता खेलता है सब, ये ट्रिपल ई एग्जाम लिखता है, ये इसको पता नहीं रहता तो ये नहीं लिखता, तो ये लिख ही नहीं पाएगा क्योंकि इसको ए ट्रिपल ई के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो इसका लाइफ लिमिटेड है। ये ए ट्रिपल ई एग्जाम ये लिखेगा ही नहीं क्योंकि ही डजंट नो अबाउट इट। इसने कभी नो मतलब क्या, ही नेवर, उसने कभी सुना नहीं देखा नहीं, या किसी फ्रेंड्स के साथ वीडियो के साथ वीडियो में कहीं आर्टिकल में न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा नहीं। बट ये इंटरचेंजेबल भी हो सकता है, सिटी वाला भी हो सकता है, मतलब एक बंदा जिसको इन जनरलाइज करे, एक बंदा को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। इफ अ पर्सन डजंट नो एनीथिंग, अगर वो किसी भी चीज़ हो सकता है एनीथिंग राइट, अगर वो पता नहीं है तो उसके बारे में ना सोचेगा ना करेगा राइट, उसके आगे उसके साथ बिहेव नहीं करेगा। सिमिलरली विच मीन्स उसका बिहेवियर लिमिटेड है कि वो कितना कंटेंट उसको पता है, विच मीन्स ये इनडायरेक्टली रुको बड़ा होगा छोटा लिखता हूँ, एक बंदे को क्या पता है, इंसान को जितना कंटेंट वो कंज्यूम करता है उसी के हिसाब से वो बिहेव करता है। वो कहाँ से होता है, वो हो सकता है मीडिया से, मीडिया हो गया सोशल मीडिया, टीवी टेलीविजन से, कहीं से भी हो सकता है, न्यूज़पेपर इससे में भी आता होगा, अभी डिटेल में नहीं जाते, ये हो सकता है आर्टिकल पढ़ा होगा, रिलेटिव पीपल से, पीपल इन जनरल पीपल से सुना होगा, जो भी कुछ होगा लोगों से इन्फ्लुएंस होता होगा राइट। अभी क्या कंटेंट, अभी किसी ने एक चीज़ बोला डिफिकल्ट है तो वो कभी इट विल बी वेरी, उसको इतना डिफिकल्ट होगा कि वो इजी हो सकता है सोचना राइट। तो इसी केस में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ कॉन्फिडेंस, वो सब काम आता है अगर वो कुछ सोच रहे, अदरवाइज उसको क्वेश्चनिंग माइंडसेट रहा तो इजीली वो कंटेंट के बियॉन्ड सोच सकता है, नहीं तो वो इजी है करके सोचेगा नहीं। कभी लर्निंग या स्टडिंग हमने कभी इजी सोचा नहीं क्योंकि हमने वो कंटेंट कंज्यूम किया ही नहीं राइट, ये आपको पता चल। एंजॉयमेंट पे आते हैं, सिंपल ये एग्जांपल से आपको पता चलेगा कंटेंट का क्या है एंजॉयमेंट। अब हम बोलते हैं हम बहुत स्मार्ट हो गए, एंजॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है सबके लिए डिफरेंट है राइट, बट आपको क्या अच्छा लगता है एंजॉयमेंट, आग बंद करके आप देखो कि आपके एंजॉयमेंट क्या है। एंजॉयमेंट वही होगा जो आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, किसी से सीखा होगा राइट, मीडिया से, लोगों से, कहीं जाते होते जो आंखों से, आर्टिकल से, कहीं से भी देखा, नथिंग विल बी अपार्ट फ्रॉम दैट राइट। खेलना एंजॉयमेंट हो सकता है, किसी के लिए खाना एंजॉयमेंट हो सकता है राइट, कुछ भी एंजॉयमेंट हो सकता है, बट एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या किसी को 10 पेज अच्छा लिखना एंजॉयमेंट हो सकता है, नहीं 99% नहीं क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने सुना नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग उनको हेल्प होता है, ये भी पता
किसी के लिए एंजॉयमेंट हो सकता है, मतलब कब वो खुश हो गए, क्या इसी, क्या वो इससे लोग खुश हो सकता है, क्या वो जब खुश रहता है वो ये करते हैं, या जब सैड रहते हैं, नहीं नहीं मुझे एंजॉय करना है तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, नहीं कंटेंट एक सुना ही नहीं ना, देखा ही नहीं, कैसे करेंगे वो, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही तो बोल रहा हूँ कि कंटेंट हमको इफेक्ट करता है, तो एंजॉयमेंट का डेफिनेशन देखो, सब कॉपीड ही है, कुछ नया नहीं, क्योंकि हम कंज्यूम करेंगे नहीं। वो क्या 2000, ये क्या चल रहा है 2024, आ जाओ वापस 1990। इनका एंजॉयमेंट अलग है, क्योंकि इनको ये चीज़ पता ही नहीं है। अगर ये लोग ये चीज़ नहीं करते क्योंकि इनको ये पता नहीं है, राइट, मीन्स अगर इनको ये पता होता तो ये भी करते। तो अब इतना मत ये करिए कि जनरेशन गैप, आजकल के जनरेशन के ऐसे वैसे, नो, जनरेशन का बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ द कंटेंट दे आर एक्सपोज्ड टू, जिस कंटेंट उनको, जो कंटेंट वो कंज्यूम करके उससे वजह से वो बिहेवियर हो रहा है। ऐसा ये मत सोचो कि हम जनरेशन 90s जनरेशन अच्छा है या 90s जनरेशन, ये जनरेशन बेटर है, ये जनरेशन बेटर नहीं है। अगर ये कंटेंट अगर इन्होंने भी कंज्यूम किया होता या आपने कंज्यूम किया होता तो ये भी सेम ही होते, देयर इज नो डिफरेंस, इट्स ऑल अबाउट व्हाट कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे उसी से आप, उसके हिसाब से आप बिहेव करोगे, क्योंकि हमने देखा कि ईच एंड एवरी थॉट कैसे बिहेवियर को लीड करता है। थॉट क्या होता है, थॉट्स क्या होते हैं, थॉट्स थिंकिंग क्या होता है, सब सब वर्ड्स सेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस होता है। वर्ड्स हमने देखा कि वो इमेजेस सब एक्सपीरियंसेस स्टोर करते हैं, जब आप एक वर्ड याद करोगे वो एक्सपीरियंस याद आ जाएगा, इमोशन भी रहता है तो आपको इमोशनल रहेगा, आपको लगेगा हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये फील हो रहा है, तो आप उसी तरह से उसी बिहेवियर को एग्जीक्यूट करोगे। तो सिनेरियो वन, डे वन, अगर आपने ये सोचा, ये किया, ये बिहेवियर, डे टू हमने बोला था कि अपना माइंड हमेशा लर्न करता है, ये आपका माइंड सोचेगा, डे टू आप करोगे ये आप सोचोगे, पॉसिबिलिटी है कि यही बिहेवियर आप एग्जीक्यूट करोगे, चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपने पहले किया, माइंड लर्न कर चुका है इसके बाद ये करना है, अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ अर्जेंट जाना है, अर्जेंट करना है, या किसी से मिलना है, या इम्पोर्टेंट है, तो ये सब बेसिक से ये समझना है। ये एग्जाम को क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है करके आप सोच सकते हो, एस्पिरेंट्स UPSC हो, स्टेट सर्विसेस हो, कोई एग्जाम, ये क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए बिकॉज आपने ऐसा कंटेंट कंज्यूम किया ही नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा कंटेंट बताया नहीं है, मेरे को भी मैंने भी कहीं ऐसा कंटेंट देखा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, अगर देखा है तो मुझे भी बता दो, मैं वीडियो, ये वो वीडियो जो अवेलेबल है मैं नहीं करूँगा, वो डायरेक्ट लिंक शेयर करूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हेल्प ही करना है ना, तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि आपको ये, आपको लगता होगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ये आपने कहीं कंज्यूम ही नहीं किया, आपने देखा है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ओके इंग्लिश में लिखता हूँ, स्टडिंग 10 आवर 12 आवर आपने वो सुना है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास एनर्जी है या नहीं, कब लो हो रहा है या नहीं, डाइट, मैं उन परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, दिस जो देखो ये सबके लिए अलग अलग होता है, मतलब मैं जो बता रहा हूँ मीनिंग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जो एनर्जी, जो डाइट का ध्यान रखते हैं उनको लगता है अरे ये तो मुझे पता है, तो आप इग्नोर कीजिए, जो नहीं पता है वो आप लोग सुनिए कि ये लोगों को तो पता ही नहीं है, सब लोग डायरेक्टली बोल देते दिस इज नहीं, सबके लिए अलग अलग होता है। तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, इवेल्युएट करो, अप्लाई होता है तो ये अप्लाई करो, वरना मत करो, इग्नोर मारो, स्किप करो, आगे बढ़ो, और जो आपको अप्लीकेबल होता है उतना ही आप आगे ले लो, ट्राई करो, फिट हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो एनर्जी डाइट के बारे में कैसे, कभी कितना, खुद तो कभी ट्राई नहीं किया आपने और आपको पता ही नहीं कि एनर्जी से क्या होता है,
बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। डाइट का आपने किया नहीं, थॉट्स का आपको पता नहीं, राइट। सिंपल सी बात है, आपने गए, आपको सिंपल मैं आपको बताता हूँ, किसी ने बोला 10 सब्जेक्ट्स 10 बुक्स पढ़ना है, 10 नहीं प्रैक्टिकल की बात करते हैं, आपको हाँ डायरेक्टली ले ही लेते हैं, यूपीएससी का ले लेते हैं, हाँ एक सब्जेक्ट ले लेते हैं कि कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, ये हो सकता है 100-200 पेजेस एनसीईआरटी। जब आप एनसीईआरटी स्टार्ट करोगे 1-2-3 चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, मुझे स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना है, तो आपका स्पीड इंक्रीज होता है, स्पीड क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। और नए एस्पिरेंट्स का तो ये होता है कि उनको पता नहीं कि कितना टाइम लगता है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से रिविजन करें, और वो सुनते हैं कि उन्होंने क्या सुना है, 2 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए, 4 बार पढ़ना चाहिए, कि 4 बार पढ़ने से आपको आ जाएगा, 5 बार पढ़ने से आ जाएगा, तो 1 बार पढ़ने से वो क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, वो डिटेल में बताया गया किसी ने, या आपको पता है, एक में आप फास्ट जा रहे हो क्या, आप कितना फास्ट जाना चाहिए, अगर फास्ट गए तो इसका कुछ क्राइटेरिया होगा ना, मैंने पढ़ा, सॉरी पढ़ा